Now let us discuss optical instruments. तो सबसे पहले द बेसिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे बॉडी में लगा हुआ है वो क्या है? आई. ठीक है, दो है ना? तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि लेंस जो है वो थोड़ा अंदर है. ठीक है, इस तरह का रहता है लेंस. इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं कुछ समझने के लिए. Right, और इसके आगे एक प्रोजेक्टेड पार्ट रहता है. तो वो सब हम लोग विल नॉट डिस्कस दैट, विल डिस्कस अबाउट द लेंस. ठीक है, तो ये जो लेंस है ये दिस इज एक्चुअली इसको जो सस्पेंड किया गया है तो यहाँ पे कुछ कौन से मसल्स है? वेरी गुड. तो ये जो मसल है सीरियली मसल्स, ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये अगर मानो कि कोई हम लोग बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट, तो इससे जो रेज आते हैं ये बड़े आसानी से फोकस होते हैं. ये जो है ये रेटिना पे बड़ी आसानी से फोकस होते हैं और आंखों पे कोई स्ट्रेन नहीं आता. आंखों पे केवल स्ट्रेन नहीं आता ना. तो मान लो ये बहुत दूर का डिस्टेंस, दूर का आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो हमारे आंखों पे स्ट्रेस नहीं होता, वो आराम से कहाँ फोकस होता है? रेटिना पे फोकस हो जाता है. ठीक है, तो अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को पास लेके आएंगे, राइट, उसके बाद याद नहीं किया, तो अभी ये जो सीनियरी मसल्स हैं इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अब आँख का जो फोकस है तो क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ताकि अब आँखों को इस पर फोकस करना है. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये सीनियरी मसल्स क्या करते हैं, बेसिकली इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट, या प्यूपिल जो है उसका क्या करते हैं, वो इफेक्टिवली ज़्यादा लाइट अंदर लेना है या कम लाइट अंदर लेना है उसके हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट या क्या होता है, एक्सपैंड होता है. तो उसकी वजह से ये जो सीनियरी मसल्स है इस पर क्या आता है, स्ट्रेन आता है. जैसे अगर मुझे बहुत पास ऑब्जेक्ट देखने से आएगा वैसे वैसे सीनियरी मसल्स पे स्ट्रेन आएगा. समझ में आ रहा आपको, राइट? तो क्योंकि उसको फोकस क्या करना है, चेंज करना है. तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ लेके आएंगे तो इफेक्टिवली आंखों का जो लेंस है उसका जो फोकस है वो चेंज होना होगा. तो चेंज करने में कौन मदद करेगा? ये सीनियरी मसल्स और बाकी जो भी कंस्ट्रक्शन है आई का वो उसको हेल्प करेगा. ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट होगा. फिर इसको आप और पास लेके आओगे, राइट, तो वापस आपको फोकल लेंथ चेंज करना पड़ेगा, उसको अब इस पॉइंट पे फोकस करना होगा. तो आपको पे स्ट्रेस या स्ट्रेन क्या होगा और बढ़ेगा, करेक्ट. तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, राइट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पीछे एक क्लियर इमेज बनेगा और उससे काम रखोगे आप तो क्लियर इमेज बनेगा. कैसा इमेज बनेगा? ब्लर इमेज बनेगा. तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस ऑफ विजन, या फिर इसको दूसरा नाम डीडीवी, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी आंखें बहुत अच्छी होती है ना, राइट, उसके लिए डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 7 to 8 सेंटीमीटर तक होता है. मतलब उतना पास तक आओ तो उसको क्लियर दिखता है. लेकिन थोड़ा मतलब 50 के ऊपर 55-60 में वो 1 to 2 meters हो जाता है. अब पास लेके आते दिखता ही नहीं है क्या है, एकदम ब्लर. समझ में आता क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बढ़ते जाते हैं. तो ये है, हमें यहाँ से एक चीज समझना है, वो समझना ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेकर डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक लेके आएंगे मूव करते हुए, इतने इस रेंज में वो ऑब्जेक्ट बराबर दिखेगा. यहाँ से यहाँ इन्फिनिटी का भी होगा बराबर दिख रहा है, कोई स्ट्रेन नहीं है, मतलब जैसा दिखना चाहिए वैसा दिख रहा है, दूर है बराबर दिख रहा है. इसको पास 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 लेते जाएंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये जो ऑब्जेक्ट है एक तो ये हमें बड़ा दिखेगा, जैसे ये मार्कर यहाँ है, जैसे जैसे पास आगे जाएगा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है. ठीक है, एक तो ऐसा लगेगा कि इफेक्टिव उसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया. और दूसरा ये होगा कि यहाँ तक जब लाएंगे डिस्टेंस और डिस्टेंस पर तब तक वो क्लियर दिखेगा, यानी डिस्टिंक्ट दिखेगा. उसके बियॉन्ड लेके आएंगे तो डिस्टिंक्ट नहीं दिखेगा, थोड़ा ब्लर दिखेगा. ठीक है, वो क्लियर इमेज नहीं होगा. समझ में? तो ये जो प्रॉपर्टी है आईज का, अभी हम लोगों को यही यूज करना है माइक्रोस्कोप में और
टेलीस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये फंडा समझ में आती है तो आप बाकी सब समझ सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ, जैसे मानो कि अभी हम लोग बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो एक कॉन्वेक्स लेंस, तो अभी पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो लिया मैंने यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना होगा कि अगर मान लो हमने कोई लेंस नहीं यूज किया, ठीक है, डायरेक्टली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट और ये यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, ये ए है, ये बी है, और यहाँ से आप इसको देख रहे हो, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनएडेड आई। क्या बोलते हैं इसको? या इसको आप बोल सकते हैं नेकेड आई, है ना, अनएडेड आई या नेकेड आई। मतलब कि आपने कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया है, सिर्फ आप देख रहे हो उसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को, हाँ, जैसे मैं ये वॉल देख रहा हूँ और कोई लेंस कुछ नहीं है। तो ये अनएडेड, मतलब एड मतलब होता है हेल्प, और अनएडेड कोई एक्स्ट्रा उसको बाहर से कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, सिर्फ वो खुद देख रहा है, तो अनएडेड आई। तो यहाँ पे मानो कि ये एंगल थीटा नॉट, ये एंगल क्या है? थीटा नॉट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने? हमने ऑब्जेक्ट को रखा है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन में, ठीक है ना, क्योंकि इसके आप आगे लेके आओगे तो क्या होगा, क्योंकि आपको ब्लर दिखेगा। तो यहाँ पे हमने रखा है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। अच्छा, और ये हाइट है इसका h, ये हाइट क्या है इसका? h है। तो थीटा नॉट क्या हो जाएगा? आप बोल सकते हो tan थीटा नॉट क्या होगा? h by f। तो यहाँ पे ये थीटा नॉट क्या है? थीटा नॉट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड हाइट, ठीक है, समझ में आपको। अब हम लेंस यूज करेंगे तो क्या होगा ये हम लोग सोचेंगे, ठीक है। मान हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, तो अगर कॉन्वेक्स लेंस यूज किया तो सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, राइट, तो जैसे कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज किया, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है हमको पता है कि अगर इसके फोकस पे ऑब्जेक्ट रखती है, अभी आई को आप भूल जाओ, ठीक है, राइट, अभी लेंस के बारे में सोचो कि इस लेंस के अगर हम लोगों ने कहाँ पर रख दिया ऑब्जेक्ट? फोकस पे रख दिया, तो इसका जो इमेज बनेगा, राइट, ये ऐसा यहां से बेंड होकर फोकस से जाएगा और ये रे ऐसे जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे दोनों, और यहां पे अगर कोई देख रहा है इसको, उसको लगेगा अच्छा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पे। क्यों? क्योंकि लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, राइट, और लेंस के लिए जो इमेज बन रहा है वो ये, और ये इमेज आई के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? लेंस के लिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? इमेज, ठीक है, और आर के लिए ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो अभी आर को के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया? इंफिनिटी पे। इसकी वजह से हुआ ये लेंस की वजह से हुआ, समझे आप? तो अभी क्या होगा? अभी आंखों पे कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, उसको बराबर वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। आंखों पे स्ट्रेस, अगर कोई ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से देख रहा है, थोड़ा दूर है, उससे जो रेज आते हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल रेज होते हैं, और वो रेज बड़े आराम से, यानी सीरियल मसल्स पे कोई स्ट्रेस बिना क्रिएट किए वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं? रेटिना पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट पास आता है, सीरियल मसल्स जो है उस पर क्या बढ़ता है? उस पर स्ट्रेस बढ़ता है। समझ में आ रहा आपको, राइट? तो यहाँ पे ये लेंस ने क्या किया? ऑब्जेक्ट तो यही था, यानी ऑब्जेक्ट तो आग के पास था, लेकिन ये लेंस के फोकस पे ऑब्जेक्ट जब रख दिया तो आग को क्या लग रहा है कि ये रेस कहाँ से आ रहे हैं? एकदम इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहे हैं। तो बड़े आराम से क्या हो जाएगा उसके लेंस, उसके रेटिना पे क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अब हम इसके आगे का सोचो, अगर आपने इसको और अंदर ले गया, फोकस के अंदर ले गए, फोकल लेंस जो है उसके अंदर आप ले आते हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा बताओ? ये ना, और अभी आप लेके आ गए F के अंदर, यानी यहां पे लेके आ गए, करेक्ट,
अब आपको पता है क्या होता है कॉन्वेक्सी केस में कि ये रे ऐसे जा रहा है फोकस से और दूसरा रे ऐसे जा रहा है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? तो उसको लग रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है राइट, तो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ये किसको दिखेगा अभी? किसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा? ये आई के लिए क्या हो जाएगा? आई के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा राइट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे ये है ए बी, तो आपको वो क्या दिखाई देगा एक्चुअली ए डैश बी डैश, एक मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देगा सही है। यहाँ से जब देखेंगे तो हम लोग क्या दिखाई देगा? एक मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देगा राइट। तो यहाँ पे ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है उस एंगल को हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? थीटा में। और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसको आप मान लो कि ये सबटेंड कर रहा है कुछ, क्योंकि ये थीटा होगा ना इधर भी राइट। अगर यहां पे आप रखा है आपने किसी जगह पे, तो एंगल सबटेंडेड कितना होगा? थीटा होगा ओके। तो मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन किया गया? मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कैसे डिफाइन किया गया? ओके अब देखो, तो ये क्या है यहाँ पे? अगर अनएडिटेड आई है राइट, तो जो एंगल सबटेंडेड है वो थीटा नॉट है। तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि टैन थीटा नॉट इज इक्वल टू एच बाई डी, ठीक है ओके। तो अभी हम लोग क्या करना है? हम लोगों को लेंस यूज करना है, कॉन्वेक्स लेंस राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे अगर हम लोग, तो उससे फायदा ये होगा कि हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग को क्लियरली देखना है। हमारा मेन गोल क्या है? ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है। तो अभी लेंस का बेनिफिट क्या होगा? लेंस का बेनिफिट ये होगा कि वो उसको और क्लियर हमें दिखाएगा, वो उसको हमें और मैग्निफाई करके दिखाएगा। यही काम है माइक्रोस्कोप का, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि माइक्रोस्कोप क्या करे? माइक्रोस्कोप उस ऑब्जेक्ट को हमें और क्लियरली और मैग्निफाई करके दिखाए, यही बोले। तो इसके लिए हम लोग ये लेंस यूज कर रहे हैं पहली बार। तो जब ये लेंस यूज कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट को हमने रखा है फोकस पे, ऑब्जेक्ट को क्या रखा है हमने? फोकस पे रखा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका, जिससे जो ये रेज आ रहे हैं दोनों, तो यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? इसको लगेगा कि ये रेज इंफिनिटी से आ रहे हैं। रेज कहाँ से आ रहे हैं? इसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट दूरी पे, और उस ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली देखेगा विदाउट स्ट्रेस। विदाउट स्ट्रेस मतलब उसका जो रेटिना है, उसके रेटिना पे क्या होगा? उसका एक प्रॉपर क्या बनेगा? इवेंट बनेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा आपको राइट? समझ में आया आपको? तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग कर रहे हैं कि हम लोगों ने मूव किया ऑब्जेक्ट टू द फर्स्ट फोकल लेंथ, है कि नहीं? ये इसका फर्स्ट फोकल लेंथ है और ये इधर इसका सेकंड फोकल लेंथ, ये पता ना आपको? तो रे ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस है यानी सेकंड फोकस, और ये इसका क्या है? फर्स्ट फोकस। तो हमने ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे कहाँ तक मूव किया? सॉरी, हाँ, कहाँ तक मूव किया है? फर्स्ट फोकस तक मूव किया, सही है। तो फर्स्ट फोकस पे जब मूव किया है, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको ये लग रहा है कि रेज किधर से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। ये पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है। तो इस केस में जो थीटा होगा राइट, यहाँ पे ये थीटा क्या होगा? ये थीटा होगा h बाई एफ, h बाई एफ, ये समझ में आया आपको? ठीक है। तो ये जो केस है इसमें हम लोग थीटा इक्वल टू h बाई एफ ले रहे हैं राइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा, यानी हमने क्या किया है? हमने इस तरह से एडजस्ट किया है, हमने इस तरह से ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है लेंस के आगे फोकल लेंथ एफ के डिस्टेंस पे, ताकि ऑब्जर्वर को ये लगे कि इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और बड़े आराम से वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है। इस एडजस्टमेंट को, यानी ऑब्जेक्ट को फोकस तक जो लेके आ रहा है, इस एडजस्टमेंट को बोलते हैं क्या? बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको। हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो अभी जो मैग्नीफाइंग पावर है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन का। इसका बात कर रहे हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन का। तो यहाँ पे आप देखो, फाइनली
जिस एंगल पे आप इसको देखेगा, यानी आपके लिए वो जो एंगल सबटेंड करेगा, आप पहले जो वो एंगल सबटेंड कर रहा था तो पहले लग रहा था ये इतना सा ऑब्जेक्ट है, फिर अब ये ज्यादा एंगल सबटेंड कर रहा है, अब लग रहा है अरे ये इतना बड़ा होता है, समझ में आ रहा है? पहले वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा था? थीटा नॉट, सही है ना? तो वही एच हाइट का ऑब्जेक्ट था, इतनी दूरी पे था और लग रहा था हाँ इतना एंगल बना रहा है थीटा नॉट। अब यही एच हाइट का ऑब्जेक्ट एफ डिस्टेंस पे आ गया तो अब इसका एंगल बदल गया, ये तो यहां से था, इसका एंगल ये था और अब ये यहां से इसका एंगल ये हो गया एंड इसका एंगल बढ़ गया, जो एंगल को आप पे सबटेंड कर रहा है वो एंगल बढ़ गया। एंगुलर ट्रांसलेशन कैसे डिफाइन होता है? वो होता है एंगल सबटेंडेड बाय द एडेड आई, ये एडेड आई है, एडेड आई मतलब इसके आगे क्या लगा है, इसमें एड्स हो गया नहीं, एडेड आई मतलब क्या है, उसके आगे क्या लगा है, लेंस, लेंस लगा है। और तो एंगल सबटेंडेड बाय द एडेड आई अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई, समझ में आया? तो इसको बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी ये जो फर्स्ट केस है, ये और ये दोनों मिलाकर ये जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेते हैं, उस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो थीटा बाय थीटा नॉट, थीटा कितना है h by m और थीटा नॉट कितना है h by d, तो कितना आया ये आया d by m, तो ये हुआ मैग्निफिकेशन इस केस में, ठीक है? यानी जहां पे आंखों पे कोई स्ट्रेस नहीं है, पर आंखों पे हम थोड़ा स्ट्रेस झेल सकते हैं, यानी मैं इस ऑब्जेक्ट को और मैग्निफाई करना चाहता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं और मैग्निफाई करके देखना चाहता हूँ, तो मुझे इसको और नजदीक लाना पड़ेगा क्योंकि तभी वो थीटा बढ़ेगा, जितना जितना वो थीटा बढ़ते जाएगा उतना उतना मुझे वो क्या दिखेगा, मैग्निफाइड दिखेगा। तो अभी मैं उसको और नजदीक लेके आऊँ, फोकस में भी पास लेके आऊँ, राइट? तो ये थीटा और बढ़ता जाएगा क्योंकि एच बाई एफ एच बाई यू नॉट, तो ऑब्वियसली एच बाई यू नॉट के केस में थीटा का वैल्यू और ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में मतलब ये तो नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो अभी इस केस में आप देखो कि यहां पे जब ये इधर आ रहा है तो हम लोग यहां पे सबसे जो लास्ट पॉसिबल केस है वो देख रहे हैं, मतलब ये जो लेंस है, लेंस के लिए ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और लेंस इसका इमेज यहां बना रहा है, और ये जो इमेज है ये लेंस के लिए और इमेज लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, यही इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट फॉर दी आई, सही है? तो आई के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो आई से कम कितने दूरी पे होना चाहिए बराबर दिखने के लिए, वो डी पे होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या उससे ज्यादा हो, उससे ज्यादा होगा तो भी बराबर दिखेगा और डी तक होगा तो भी बराबर दिखेगा, लेकिन डी पे क्या होगा, आंखों पे स्ट्रेस आएगा, ठीक है? लेकिन चलो डी तक वो क्लियरली देख सकता है, डी की जैसे अंदर आएगा तो ब्लर दिखेगा। तो अभी लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और लेंस इसको ये इमेज बना रहा है, पर यही इमेज अभी आंखों के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, अगर वो बराबर डी डिस्टेंस पे है तो आप उसको देख लेगा, ठीक है? थोड़ा स्ट्रेस हुआ होगा कि समझ में आपको। तो अभी इस केस पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो लेंस है, लेंस के लिए 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, करेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, तो माइनस डी, माइनस डी क्यों, क्योंकि रे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पोल से ये डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, नेगेटिव, तो कहाँ बन रहा है, डी पे बन रहा है, तो हमने माइनस डी ले लिया। और जो यू है, यू हो जाएगा माइनस यू नॉट, और कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंस क्या होगा उसका, पॉजिटिव होगा, समझ में आपको, ठीक है? तो अभी हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ थीटा निकालना है, हम थीटा निकाल लेंगे तो हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं थीटा बाई थीटा, क्योंकि वो थीटा को हम चेंज कर देते हैं, नहीं पहले तो था ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही देख रहे थे हाँ नहीं डेड आई, तो भाई थीटा नॉट सबटेंड कर सकता, फिर हमने एक लेंस लगाया और लेंस के फोकस तक लेके आ रहा है ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे लेके आ रहे हैं वो एंगल बढ़ता जा रहा है, नहीं लेकिन जब फोकस पे लेके आएंगे तो ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट इन्फाइनेट पे और उसका इमेज फॉर्म होगा लेंस की वजह से, फिर और उसको पास लेके आएंगे तो और उसका जो ये इमेज फॉर्म होगा यानी वर्चुअल इमेज इरेक्ट फॉर्म होगा और क्या होगा, मैग्निफाइड होगा, ये प्रॉपर्टी है, तो इसलिए जब उसको जैसे जब अंदर लेके आते जाओगे यही थीटा का वैल्यू और बढ़ता जाएगा, ऐसा लगेगा ये ऑब्जेक्ट और मैग्निफाई और मैग्निफाई और मैग्निफाई हो रहा है, हाँ वो हमें और क्लियरली दिखेगा।
लेकिन उसको कहाँ तक ला सकते हैं, हम उसको सिर्फ यू नॉट तक ला सकते हैं ताकि लेंस उसका इमेज डी पे बनाए और आंखों के लिए वो इमेज ऑब्जेक्ट बन जाए डी डिस्टेंस पे। आंखों के लिए वो इमेज क्या बन जाए, ऑब्जेक्ट बन जाए डी डिस्टेंस पे, तो आप उसको बराबर देखेंगे। ये पॉइंट समझ में आपको, ठीक है? तो अभी एक तो ये इक्वेशन आप देख लो, दूसरा इक्वेशन ये देखो कि थीटा क्या होगा इस केस में, इस केस में थीटा क्या होगा, एच बाई यू नॉट होगा कि नहीं होगा, थीटा विल बी एच बाई यू नॉट। तो अभी ये जो इक्वेशन है अपने पास, इसमें से हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें से हम लोग वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच बाई यू नॉट, ओके, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन आ गया अभी, तो इसमें से आप सबसे पहले यू जस्ट फाइंड आउट कि तो h by u नॉट ना, तो अभी मैग्निफिकेशन क्या होगा पहले वो देखो, मैग्निफिकेशन क्या होगा, थीटा बाई थीटा नॉट। अच्छा थीटा कितना है, h by u नॉट बराबर है, थीटा कितना है, h by u नॉट है, और थीटा नॉट कितना है वो पहले आया था h by b, मतलब यहाँ से मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, d by u नॉट। तो मैं ये जो d by u नॉट है, मैं इसको अब यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई करके निकालूंगा, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो प्लस वन बाई यू नॉट है ना, इसको उधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा वन बाई यू नॉट, और ये हो जाएगा वन बाई एफ प्लस हो जाएगा ना वन बाई डी, ठीक है? अब इस पूरे इक्वेशन को मैं डी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा डी बाई यू नॉट, क्योंकि मुझे ये निकालना मैग्निफिकेशन, तो ये कितना हो जाएगा डी बाई एफ प्लस वन, यानी वन प्लस डी बाई एफ। ये पॉइंट मैंने रखा, और ये क्या है, ये है मैग्निफिकेशन। ये किस केस में मैग्निफिकेशन है, ये जो है आपका किस केस में, दोनों एंगुलर मैग्निफिकेशन है, ये भी एंगुलर मैग्निफिकेशन और वो भी एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसको बस इस केस को नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, इसका ऐसा कोई नाम नहीं है, ठीक है? इस केस में क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, इससे ज्यादा मैग्निफिकेशन पॉसिबल नहीं है बाय यूजिंग अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। इसमें भी मैग्निफिकेशन हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें ये मैक्सिमम पॉसिबल, मतलब जितना तुम उसको लेके आ सके पास, ताकि इमेज बन जाए डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और आप उसको लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए उसको क्लियरली देखने के लिए लास्ट, उससे पास और तुम इसको लेके गए यू नॉट से कम किया, तो वो इमेज मैग्निफाई तो होगा लेकिन वो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे नहीं बनेगा, वो थोड़ा और आगे बनेगा, तो वो आंखों को क्लियरली दिखाई नहीं देगा। ये पॉइंट समझ में, यानी इससे ज्यादा थीटा नहीं हो सकता, और इससे ज्यादा थीटा नहीं हो सकता, तो इससे ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं हो सकता। ये पॉइंट समझ में, तो ये दो केसेस हैं, यानी हमें ये याद रखना है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है डी वाई है नॉर्मल एडजस्टमेंट, बट जिस केस में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए हमें, तो उस केस में फॉर्मूला कौन सा होगा, वन प्लस डी वाई है, ठीक है? यानी दो हो गए, तो डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा केस यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है? तो ये होने के लिए वहाँ पे एक लेंस नहीं, वहाँ पे दो लेंस यूज कर रहे हैं, और एक्चुअली जो एक्चुअल माइक्रोस्कोप होता है उसमें दो से भी ज्यादा लेंस होते हैं, ठीक है? ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि दो लेंस से क्या होने वाला है, एक और एक्स्ट्रा लेंस यूज करेंगे, ठीक है? बट एक्चुअल माइक्रोस्कोप में वहाँ पे मल्टीपल लेंस हो सकते हैं, उसको बार 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 मैग्नीफाई करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ दो ही लेंस लेके बात करें, तो पहला जो ये हमने लेंस लिया इधर, ये एक लेंस, और दूसरा एक लेंस लिया हमने इधर, ठीक है? तो ये जो लेंस है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये जो दूसरा लेंस है इसको बोलते हैं आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा है आई पीस, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब जिसके आगे क्या रखा होगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा, और हम एज अ ऑब्जर्वर किधर होंगे, इधर होंगे, हम एज अ ऑब्जर्वर इधर होंगे और ऑब्जेक्ट वहां रखा होगा। तो मान लो इसका जो फोकल लेंथ है वो है कुछ एफ ओ, क्या है, एफ ओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस में हम एफ ओ बोल रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को
जिसका जो फोकल लेंथ है या फोकस है और जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में रखेंगे अगर इस ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा? तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा यहाँ पे वो एक तो इन्वर्टेड होगा और मैग्निफाइड होगा, बराबर है, राइट? आप यूं सर आपको मैग्निफाई करना था तो आप अरे फोकस के अंदर डाल देते हाँ, लेकिन तब तो उसका वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाता, फिर वो इसके लिए ऑब्जेक्ट ही बन पाता, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे ये जो पहला लेंस है, पहला लेंस इज नॉट बीइंग यूज्ड एज माइक्रोस्कोप, फर्स्ट लेंस इज सिंपली क्या कर रहा है वो, इसको थोड़ा मैग्निफाई करके दे रहा है उसको, यानी रियल इमेज फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा? रियल इमेज। अभी हमने तो देखा सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें वो सिंगल लेंस क्या कर रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है आपके लिए, ऑब्जेक्ट यही है और इसी का इमेज फॉर्म कर रहा है, और वो हमारे लिए क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट और उसका इमेज बन रहा है। ये काम करेगा आईपीएस, ये कौन करेगा? आईपीएस। लेकिन वो होने के लिए उसको एक रियल ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए? रियल ऑब्जेक्ट। तो इस रियल ऑब्जेक्ट का पहले रियल इमेज बनना चाहिए, और वो रियल इमेज उसके लिए क्या बनना चाहिए? ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, बराबर है? अब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट को फोकस फोकस से बाहर रखना पड़ेगा, तभी इसका रियल, क्योंकि फोकस पे गया उसके बाद चालू हो गया, वर्चुअल इरेक्ट इमेज, वर्चुअल है इरेक्ट, वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो फिर इसके काम ही नहीं आएगा आईपीएस के, फिर वो ऑब्जेक्ट आईपीएस के काम नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? इसलिए ऑब्जेक्ट कहाँ बचेंगे? फोकस के थोड़ा बाहर बचेंगे, तब क्या होगा? तब इससे जो ये रेज आ रहा है इस तरह से, राइट? तो ये जो टारगेट है ये इस फोकस से फोके निकलेगा इस तरह से, और ये जो इधर से आ रहा है, तो दोनों जो है मिलेंगे, ठीक है, एक पॉइंट पे आते हैं, तो ये इधर बनेगा। अब थोड़ा आप सीधा लाइन खींच लो, ठीक है, हाँ सीधा नहीं है ना, नहीं है सीधा यार, कितने आपको बोलना चाहिए था सीधा है, क्योंकि आपने सीधा खींचा है हाँ, तो वो क्या है, सीधा ही है, भले वो दिख नहीं सीधा रहा है, नहीं नहीं चलो, लेकिन कोई बात नहीं, तुमको नहीं दिख रहा है तो अभी क्या करेंगे, इधर बना दो, तो मानो कि ये है अपना, ठीक है, तो इसका इमेज बनेगा यार, अगर ये ए बी है, इसका इमेज क्या बनेगा यहाँ पे, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब दो ऑप्शन है अपने पास, क्योंकि ये जो है इट विल बिहेव एज अ माइक्रोस्कोप, इट विल बिहेव एज अ, तो दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है नॉर्मल एडजस्टमेंट, एक ऑप्शन क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब ये इमेज सीधा एफ ई पे फॉर्म हो जाए आईपीएस के फोकस पे, ये इमेज सीधा कहाँ फॉर्म हो जाए, आईपीएस के फोकस पे, और आई पीस इसका इमेज बना दे इन्फिनिटी पे, जो आपके लिए ऑब्जेक्ट बन जाए, जो आपके लिए क्या बन जाए, ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है? केस वन नॉर्मल एडजस्टमेंट, कौन सा एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब ये जो इमेज बना रहा है ये पहला लेंस ऑब्जेक्टिव, रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेज, वो फॉर्म हो इसके फोकस पे, एग्जैक्टली इसके फोकस पे फॉर्म हो जाए, तो इसके फोकस पे फॉर्म होगा तो रे डायग्राम कैसा होगा, तो अभी हम लोग इसको एक देखो रे डायग्राम इसका कैसा होगा, यहाँ से ये रे ऐसे जाएगा और फिर इसके फोकस से पास करेगा, करेक्ट, और दूसरा ले लो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये क्या लगेगा, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है क्या लगेगा, ऑब्जर्वर क्या लगेगा, रे का ये रेस कहाँ से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रहा है, बराबर है कि नहीं, तो उसको आराम से एक मैग्निफाइड इमेज दिख जाएगा, ये पॉइंट समझ में आया, नॉर्मल एडजस्टमेंट, हाँ मतलब ये जो आईपीस है ये आईपीस कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, इट्स बिहेविंग एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर दिस ऑब्जेक्ट, बट दिस ऑब्जेक्ट इज अ इमेज ऑफ दिस लेंस, समझ में आ रहा है, हाँ तो दिस इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप आईपीस, तो ये वाला नॉर्मल एडजस्टमेंट, उसको लग रहा है अच्छा हाँ एक मैग्निफाइड इमेज दिख रहा है और आराम से देख रहा है ऑब्जेक्ट, कहाँ दिख रहा है, इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा मैग्निफिकेशन, किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, आपको पता है टोटल मैग्निफिकेशन क्या होता है, वो होता है m1 into m2, तो हम लोग इसका मैग्निफिकेशन और इसका मैग्निफिकेशन निकाल कर उसमें हम लोग क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहला जो आप ये देख रहे हो लेंस, इसके लिए ये क्या है, ये u नॉट, मान लो
और ये जो बना है इसको v नॉट मान लो, तो m1 क्या होगा? तो m1 होता है, आपको पता है लेंथ का मैग्नीट्यूड क्या होता है, माइनस v बाय u होता है ना, कि प्लस v बाय u होता है, तो आपको साइन कन्वेंशन डाल के यहां वैल्यूज पुट कर देना। और वो जो दूसरा है आई पीस, इट इज बिहेविंग लाइक अ क्या, अ सिंपल माइक्रोस्कोप, और वो भी नॉर्मल एडजस्टमेंट में। तो उसका मान लीजिए अभी हमने ड्राइव किया था, कितना है d by f आया था, d by f, तो बस ये v by u into d by f, ये कर देंगे हमें इसका कंडीशन मिल जाएगा, यहाँ पर हम उसका वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में जो वैल्यूज होंगे राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, v v हो जाएगा v नॉट, और ये हो जाएगा माइनस u नॉट, और डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस इधर हो जाएगा माइनस v या प्लस v, माइनस g, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, वेव उधर से आ रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस इधर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और उसका फोकल लेंथ क्या है, यानी कुल मिलाकर ये आ गया v नॉट d बाई u नॉट f। समझ में आपको, v नॉट d बाई u नॉट f, ये हो गया माइनस इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो गए नॉर्मल एडजस्टमेंट केस। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर यही ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ यहाँ नहीं होता, रहता फोकल लेंथ इसका ये होता एफ ई, और ये इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इसके फोकस के अंदर नहीं होता कहीं पे, तो अब ये होता सेकेंड केस, ये होता सेकेंड केस। इस केस में क्या होता, तो अब ये सब डायग्राम चेंज करना पड़ता हम लोगों को राइट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता, क्योंकि अब ये है ना फोकस, ये फोकस है ये, तो इतना ही यहाँ भी लेना पड़ेगा ना फोकस, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे फिर से वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगा, और इस बार मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट में मिनिमम, ये मिनिमम मैग्निफिकेशन होता है लेंस के, यानी यू आर यूजिंग द लेंस एंड यू आर गेटिंग मैग्निफिकेशन, बट दैट इज मिनिमम मैग्निफिकेशन राइट। बट इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, इन केस ऑफ दिस, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज विद इन द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट, द मैग्निफिकेशन स्टार्ट्स टू इंक्रीज एंड द मैग्निफिकेशन बिकम्स मैक्सिमम when the image of this eyepiece will be formed at distance of distance, ये point समझ में आया। तो यहाँ से जो ये आया है, ये इस तरह से है ना, इधर से पास होगा ये ऐसा, और थोड़ा सा मतलब आप समझ लो कि ऐसा होगा कुछ, तो ये ऐसा लगेगा कि सीधा है, सीधा की कर्व है, सीधा है, very good, ऐसे बोलना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ये इमेज बन रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। इस केस में, तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, टोटल मैग्निफिकेशन, और ये हो गया सेकेंड केस, तो फिर से मैग्निफिकेशन क्या होगा, एम वन इंटू एम टू, तो वो एम वन फिर से क्या हो जाएगा, बी नॉट बाई माइनस यू नॉट राइट, और ये वाला कितना होगा, ये होगा वन प्लस डी बाई एफ ई, वन प्लस डी बाई एफ ई, वन प्लस डी बाई एफ ई क्यों, क्योंकि ये जहाँ फॉर्म हो रहा है वो आपके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस डिविजन है, अगर आपके रेस्पेक्ट में क्या है वो डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस डिविजन, यानी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा, ये पॉइंट समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा v बाई राइट v नॉट बाई u नॉट वन प्लस d बाई एफ ई राइट, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिविजन, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से ये हम निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आई पीस इज फंक्शनिंग एज माइक्रोस्कोप, तो अभी यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है, तो बेसिकली मैग्निफिकेशन डिफाइन कैसे किया गया, m इज इक्वल टू थीटा बाई, यानी थीटा डैश फाइनल जो है, ठीक है। एक तो थीटा नॉट हो गया, और एक हो गया यहाँ पे कि ये कितना एंगल सबट्रैक्ट करेगा आप पे,
तो ये जो एम है ये क्या होगा, थीटा बाई थीटा डैश बाई थीटा, थीटा डैश बाई थीटा डैश क्या है, आई डी बाई फॉर्म बाई दी आई डी, तो थीटा डैश और थीटा नॉट क्या है, एंगल सबटेंडेड बाई दी एट दी अनएडेड है। यहाँ पे थीटा डैश कितना होगा, थीटा डैश होगा क्योंकि ये थीटा डैश यानी ये एंगल है ना राइट, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल होगा एच डैश एच डैश बाई इससे जो डिस्टेंस बनेगा, इससे डिस्टेंस कितना बनेगा, यहाँ पे क्या लिखा है वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाई यू, क्या लिख सकते हैं उसको, इससे जो डिस्टेंस है यू तो वो हो जाएगा यहाँ पे है ना, सिर्फ थीटा एंगल से यहाँ पे तो वो हो जाएगा एच डैश बाई यू, और थीटा नॉट कितना है इनिशियली वो है एच बाई डी, तो यहाँ से मैग्निट्यूड कितना है, ये आ रहा है h डैश बाई एच इंटू डी बाई यू, एच डैश बाई एच इंटू डी बाई यू। अब आपने वो ये जो डी बाई यू है यही हमने ड्राइव किया था सिंपल माइक्रोस्कोप में, डी बाई यू नॉट ये कितना आएगा, डी बाई यू वन प्लस डी बाई एफ, एफ नॉट अगर ऑब्जेक्टिव लेंस है और वो आई पीस है तो डी बाई यू क्या होगा, वन प्लस डी बाई एफ, तो इसको तो हम डाल देंगे वन प्लस डी बाई एफ। अब बन गया ये एच डैश बाई एच, एच डैश बाई एच को क्या डालेंगे, तो एच डैश बाई एच जो है यहाँ पे तो एच डैश बाई एच, हाँ तो ये जो पहला लेंस है इसके लिए ये एच है और ये क्या है एच डैश है, तो एच डैश बाई एच है ना, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा क्योंकि वो एच डैश तो मतलब नेगेटिव साइन है उसका राइट, तो मैग्निफिकेशन होना चाहिए एक्चुअली, मैग्निफिकेशन होना चाहिए माइनस एच डैश बाई एच, मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, साइड मैग्निफिकेशन लेंगे क्योंकि इमेज कैसा होगा फॉर्म हो रहा है इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है, लेकिन आपको एक्सप्रेशन में सिर्फ एच डैश बाई एच करानी चाहिए माइनस एच डैश बाई एच नहीं चाहिए। तो अभी माइनस एच डैश बाई एच क्या होता है, वो होगा माइनस बी बाई यू बराबर है, क्योंकि मैग्निफिकेशन ना मैग्निफिकेशन क्या होगा, एक लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है माइनस बी बाई यू होता है प्लस बी बाई यू होता है राइट, ओके तो प्लस बी बाई यू होता है और इसमें आप डाल दो यहाँ पे तो ये v हो गया v नॉट और u नॉट क्या होगा माइनस u नॉट साइन कन्वेंशन से राइट, तो ये आ गया, तो यहाँ पे एच डैश बाई एच का वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा v नॉट बाई u नॉट ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आएगा वो आएगा v नॉट बाई u नॉट, तो इसको हम लोग डाल देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से मैग्निफिकेशन आ जाएगा v नॉट बाई u नॉट और इसमें आ जाएगा वन प्लस डी बाई एफ डी, तो ये इसका मैग्निफिकेशन होगा ठीक है राइट। ये कौन सा केस है, ये वो केस है जब फाइनल इमेज आंखों के लिए कहाँ फॉर्म होगा, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस रीजन पे फॉर्म है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो ठीक है, और ये जो है ये मिनिमम मैग्निफिकेशन का केस है, समझ में आ आप लोगों ठीक है ओके, तो ये हो गया माइक्रोस्कोप के बारे में।